हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। क्या कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पे आपको कोई चोट लगा हो और वहां से निकलने वाला ब्लड काफी देर तक फ्लो हो रहा हो, रुकने का नाम ना ला रहा हो? क्या कभी आपने ऐसा भी कंडीशन फेस किया है जहां पे आपको चोट लगी हो और जल्दी ही वो क्लॉट हो गया हो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हुई हो? ये दो जो कॉमन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं वो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी किसी ने फेस किया है। दूसरा वाला एग्जाम्पल जिसमें हमने बात किया कि चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, थोड़ी देर बाद वो अपने आप क्लॉट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत ही यूजुअल है और ऐसा ही हो तो काफी अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पे आपको माइनर कट भी लग जाए तो वो ब्लीडिंग थोड़ी सी एज यूजुअल की तुलना में ज्यादा देर तक होती है और यहाँ पे क्लॉट धीरे से होता है। सो ऐसा कंडीशन जहां पे चोट लगे, चोट लगने के कारण से आपके ब्लड वेसल्स रप्चर हो और उस ब्लड वेसल के रप्चर होने से जो ब्लीडिंग हो रही हो वो काफी देर तक फ्लो होती रहे एज कंपेयर टू नॉर्मल सिचुएशन, या इसी को कह लीजिए कि ब्लीडिंग हो रही हो और वो क्लॉट ना हो रहा हो, तो ऐसा कंडीशन में हमको जरूरत पड़ती है ऐसे ड्रग्स की, ऐसे एजेंट की जो कि उस ब्लीडिंग को स्टॉप करे, उस ब्लीडिंग को अरेस्ट करे, या तो यूं कहूं कि क्लॉटिंग को स्टार्ट करे। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही शॉर्ट आंसर के फॉर्म में, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट लेसन या इंपॉर्टेंट क्लास हो सकता है। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हमारा ये टॉपिक है कोएगुलेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं या क्लॉटिंग के बनने के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। सो ऑल दोस एजेंट आर नोन एज अ कोएगुलेंट व्हिच स्टॉप द ब्लीडिंग और व्हिच इनिशिएट द क्लॉटिंग प्रोसेस और क्लॉटिंग कैस्केड। अब यहां पे दो चीजें हम पहले बात कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। हमने यहां पे बात किया है क्लॉटिंग कैस्केड का, इसका मतलब क्या होता है यह आपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में एचएपी के अंदर पढ़ा होगा। व्हाट इज द डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अपलोड कर देंगे। तो दूसरा जो टर्म यहाँ पे बात किया था क्लॉटिंग का, तो व्हाट इज अ क्लॉटिंग, व्हाट इज अ क्लॉटिंग टाइम, ये भी जान लीजिए आप, तब आगे बढ़ेंगे वरना ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्लॉटिंग कहने का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू अ सेमी सॉलिड मास, यानी कि अगर आपका कहीं चोट लगता है तो वहां से जो ब्लडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, वो एक लिक्विड के फॉर्म में है, ये अगर सेमी सॉलिड मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसे हम हिंदी में थक्का जमना कहते हैं, तो ये कहलाता है आपका क्लॉटिंग। तो एक टाइम जिस पे वो जो ब्लड है जो फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाए और एक क्लॉट या एक मास का फॉर्मेशन कर ले, इन्हीं को हम कहते हैं आपका क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम डिटरमाइन करने के दो मेन मेथड है, एक है स्लाइड मेथड, दूसरा है कैपिलरी मेथड, और ये दोनों ही मेथड डिटेल से हमने अपने प्रैक्टिकल सेक्शन में इसी चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहें उसके बारे में और डिटेल, उसका टाइम कैसे पता लगाते हैं ये चेक करना, तो आप इन दोनों को क्लॉटिंग टाइम बाय स्लाइड मेथड और क्लॉटिंग टाइम बाय कैपिलरी मेथड सर्च कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने एक स्लाइड मेथड का छोटा सा वीडियो यहां पे अब इंक्लूड करने वाले हैं ताकि आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ब्लड कैसे क्लॉट बनता है और वो दिखता कैसे है। छोटा सा वीडियो है, जरूर देखिएगा, स्किप ना करें क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा हाउ क्लॉटिंग लुक्स लाइक। सो आगे अब देखते हैं वो छोटा सा वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि क्लॉट क्या होता है, दिखता कैसे है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में जहां पे हमको ऐसे ही एजेंट की जरूरत पड़ेगी जब आपकी बॉडी से निकलने वाला ब्लड क्लॉट ना हो रहा हो तब हम उनको क्लॉट कराना चाहें, तो इन्हीं को हम कहते हैं कोगुलेंट। आइए देखें कोगुलेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला है ये जो कोगुलेंट है इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो हम यहाँ पे पहले बताने वाले हैं वो यही है कि इनको हम हेमोस्टेटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आपका कोएगुलेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है या इस नाम से भी आपके पूछे जा सकते हैं। सो दूसरा पॉइंट पहले कवर करने के रीजन ये रहा इसके नाम के बारे में। अगला क्या होते हैं कोएगुलेंट, सो एनी एजेंट विच प्रमोट द कोएगुलेशन प्रोसेस इज नोन एज अ कोएगुलेंट। कोई भी ऐसा ड्रग, कोई भी ऐसा एजेंट जो कि कोएगुलेशन के प्रोसेस को, जो कि आपके ब्लड के थक्का बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा होगा, इनिशिएट कर रहा होगा, इन्हीं को हम कहते हैं कोएगुलेंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लाइफ सेविंग का भी काम कर सकते हैं।
यहां पे दूसरी चीज ये है कि आप कोएगुलेशन के प्रोसेस को समझेंगे कैसे, कहां पे क्लॉटिंग होती है और कैसे कोएगुलेंट काम करते हैं, तो इनको समझाने के हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझा रहे हैं। ये डायग्राम आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सो वी डू नॉट हैव एनी रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर डायग्राम, क्योंकि इसे हमने लॉजिकली बनाया हुआ है। अगर आप इस थ्योरी के पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसे हमने लिया हुआ है आपके पद्मजा उदय कुमार की बुक से और कुछ कैडिटी के पॉइंट से भी इंक्लूड किए हैं। आज का वीडियो एक पर्टिकुलर पार्ट पे है, दूसरा वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा और ये दो ही पार्ट में होंगे। तो सबसे पहले देखें उनके कुछ बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे ब्लीडिंग होती है और कैसे कोगुलेंट काम करते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल है और ये कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, ये निडल हो सकते हैं या आपके नाइफ हो सकते हैं या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके कट के लगने की वजह से ब्लीडिंग हो। सो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी एंटर नहीं किया है हमारे ब्लड वेसल में, तो ये मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपके ब्लड वेसल में अब एंटर कर रहा है। इसके एंटर करने की वजह से आपके ब्लड के वेसल्स पे कहीं ना कहीं रप्चर होगा और एक लीकेज कॉज होंगे। इन लीकेज की वजह से आपकी ब्लीडिंग बाहर जाने लगेगी। दीज आर द ब्लीडिंग्स, तो ये ब्लीडिंग होनी रही है। अब ये अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करके थोड़ी देर बाद अपने आप क्लॉट हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। लेकिन अगर ये जो ब्लीडिंग है वो थोड़े लंबे समय तक चले तब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकता है। तब हमको चाहिए कि हम कुछ ऐसे ड्रग को लोकली या सिस्टमेटिकली अप्लाई करें ताकि आपकी ये जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो इसको ठीक करने के दो ऑप्शन हैं। अगर हम कोएगुलेंट यूज करते हैं तो कोएगुलेंट दो टाइप के हैं जिनको आगे आप देखने वाले हैं। एक होता है जिनको हम लोकल अप्लाई करते हैं, दूसरा जिसको हम सिस्टमिक तरीके से अप्लाई करते हैं, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है इन पे अप्लाई करते हैं। तो ये है हमारा कोएगुलेंट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये कोएगुलेंट देते हैं तो ये लोकल लेवल पे भी और आपके ब्लड के अंदर सिस्टमिक लेवल पे भी काम करेंगे। अल्टीमेटली ये ब्लड के कोएगुलेट होने के प्रोसेस को प्रमोट करेंगे और आगे जाकर के यहां पे एक मास जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे आप क्लॉट कहते हैं या जिसे ही हम थक्का जमना कहते हैं। तो इसके कारण से जो ब्लीडिंग है अब आगे जाकर के यहां से स्टॉप हो जाएगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इस तरह से जो हमारे कोएगुलेंट है वो आपके ब्लीडिंग को स्टॉप करने का या क्लॉटिंग फॉर्मेशन को इनिशिएट करने का काम करते हैं। चलिए अब हम इसके टाइप पे आते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया इनके एप्लीकेशन के हिसाब से कि वो लोकल जगह पे अप्लाई कर रहे हैं कि वो थ्रू आउट द बॉडी काम करेंगे, इनके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हम इनको दो मेन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लास है आपका लोकल, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे, एक रेस्ट्रिक्टेड पार्ट पे जहां पे कट लगे हों। याद रखिए ये हम माइनर कट की बात कर रहे हैं, मेजर एक्सीडेंट या ट्रॉमा के केस में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस ड्रग को हम लोकल एरिया पे अप्लाई करते हैं, रखते हैं, पाउडर लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, प्रेशर लगाते होंगे या उसको किसी और तरीके से स्टॉप करते हैं, तो इनको हम लोकल तरीके से कह सकते हैं, लोकल के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम स्टेप्टिक्स भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया। दूसरा मेथड है सिस्टेमिकली, यानी कि अगर हम उस ड्रग को आपके ब्लड तक पहुंचा दें एनी हाउ और उसके कारण से जो ब्लीडिंग हो रही है या फिर जो आपकी ब्लीडिंग बाहर तक पहुंच रहे हैं इनको अगर आप रोक पाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सिस्टेमिकली एडमिनिस्टर्ड कोएगुलेंट ड्रग। तो ये उनके टाइप हो गए, डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा अगर हम बात करते हैं एक कैजुअल मेथड है, ये कोई स्टैंडर्ड का मेथड नहीं है बट ये आपके लाइफ सेविंग भी हो सकता है। अगर आप फॉर शॉर्ट टर्म मींग आपके ब्लीडिंग को रोकना चाहते हैं तो दो कैजुअल यूजुअल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये है एक पार्शियल प्रेशर अप्लाई करना, एक हल्का सा जेंटल प्रेशर अप्लाई करना आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां से ब्लीडिंग हो रही है, दबा के रखना उसको ताकि थोड़ी देर बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। दूसरा प्रिकॉशनरी मेथड है आइस को, आप आइस के क्यूब को आप यहां पे रख देंगे तो भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। तो ये तो दो नॉर्मल मेथड हो गए, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड हो गए। अब हम बात करने वाले हैं एक एक करके दो मेथड के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे लोकल इफेक्ट के बारे में कि कौन कौन से ड्रग हैं जो लोकल एरिया पे, लोकल जगह पे काम करके आपकी ब्लीडिंग को रोकते हैं। अगले पार्ट और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे सिस्टमेटिकली या सिस्टमिकली यूज होने वाले ड्रग। सिस्टमेटिकली और सिस्टमिकली का भी मतलब आप समझ में आ जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से, वन बाय वन तरीके से, दैट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक, और उसको अगर हम ब्लड पे अप्लाई करते हैं दैट्स कॉल्ड सिस्टमिकली। तो ये दोनों चीजें सुनने में सेम लगती हैं लेकिन दोनों को एक तरीके से फॉलो किया जा सकता है। हम दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके तरीकों के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट टाइप इज लोकल पार्ट, इसी को हम स्टैप्टिक पार्ट भी बोलते हैं। सो ऐसे ड्रग जो कि ब्लीडिंग को रोक दें लोकल जगह पे, खास करके आपके ब्लीडिंग होने वाले वुंड से या तो आपके टूथ के सॉकेट से या किसी भी लोकल जगह से, तो इन्हें हम लोकल ड्रग कहते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनको हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को भी यहाँ पे कोट किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वह है एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन का 1:10,000 रेशियो हम यूज करते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में और ये यूज होता है आपके
टूथ के सॉकेट से होने वाली ब्लीडिंग को, या अगर आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट के वुंड से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको रोकने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसको यूज करने की वजह से उस पर्टिकुलर लोकल पार्ट से ब्लीडिंग को आप रोक सकते हैं, क्लॉटिंग को अचीव कर सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये कहता है कि जो आपके एड्रेनलिन है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, और इसी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करके ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर एज अ कोएगुलेट शो करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा। सो थ्रोम्बिन इज अ पाउडर विच इज यूज एज अ डस्टर, डस्टिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं ओवर द ब्लीडिंग सर्फेस। जिस भी सर्फेस पे ब्लीडिंग हो रहा होगा वहां पे हम इस थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन के पाउडर को डस्ट कटिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। यहां पे एक बातें और है जो आपके जी पैड या दूसरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ये कह रहा है कि ये जो आपका थ्रोम्बिन है वो बोविन के प्लाज्मा से अचीव होता है। सो इट इज अचीव फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ बोविन। उसके बाद अगला जो है वह है आपका फाइब्रिन। फाइब्रिन के बारे में भी आपने पहले सुना हुआ है आपके फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। ये एक जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आगे जाकर के हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, WBC हैं, ये ट्रैप होते हैं और आगे जाकर के एक्यूमुलेट होने की वजह से, एक्टिवेट होने की वजह से ये एक क्लॉट या एक मास का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप समझना चाहेंगे फाइब्रिन को तो हम एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि मार्केट में एक नेट की जाली आती है जिसमें काफी सारे बेरीज बेर रख के आपको सेल आउट करते हैं। तो समझ लें कि वो जो बेरीज है वो आपके ब्लड ड्रॉप्स हैं, वो आपके RBCs या ब्लड सेल हैं, और वो जो जाली है जिसके अंदर रखे हुए हैं यही आपके फाइब्रिन और नेटवर्क हैं जो कि उसको होल्ड करके रखे हुए हैं। तब तक जब तक वो होल्ड है वो ब्लड क्लॉट रहेगा। जैसे ही वो क्लॉटिंग हटने लगेगी, वो जो ब्रॉन्ड है बीच में वो ब्रेक होने लगेगा, ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। एंटीकोगुलेंट में हम इसको आगे जाके देखेंगे भी। सो दीज आर द फाइब्रिन। कहां से ऑब्टेन होते हैं? ये ह्यूमन प्लाज्मा से ऑब्टेन होते हैं। अभी आपने देखा कि ये जो आपका थ्रोम्बिन था ये आपके बोविन से अचीव हुआ, जबकि अगर हम बात करते हैं फाइब्रिन की तो ये ह्यूमन प्लाज्मा से अचीव होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। दूसरा है इसके जो सरफेस पे हम कवरिंग लगाते हैं, जिस पे चोट लगी है उस पे हम कवरिंग लगा के इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिलेटिन फॉर्म। जो जिलेटिन का फॉर्म है इसको भी हम अप्लाई करते हैं। कुछ दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक तो पोरस और स्पॉन्जी जिलेटिन, जो पोरस भी होगा स्पॉन्जी भी जिलेटिन होगा, इनके साथ हम कोलेबरेट करते हैं आपके थ्रोम्बिन को और ये फिर आपके जो जिस सरफेस पे ब्लीडिंग हो रही है वहां पे अप्लाई करते हैं। ये 4 से लेकर के आपके 6 वीक तक वहां पे रह सकता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा और उसको वहां से रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है कह लीजिए वो आपके 4 से 6 हफ्ते तक के लिए रहेगा। नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन पाउडर। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन पाउडर है बेसिकली ये सर्जरी में यूज किया जाता है ताकि कहीं छोटा सा कट लगा हो तो उसकी ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर सकें। और लास्ट हम बात करने वाले हैं एस्ट्रिंजेंट की। तो एस्ट्रिंजेंट होते क्या हैं? एस्ट्रिंजेंट ऐसे एजेंट हैं जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो ऑल दोज एजेंट विच प्रेसिपिटेट द प्रोटीन आर सिंपली नोन एज एस्ट्रिंजेंट। जिनके एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो टैनिक एसिड है, पोटास एलम है जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में एलम या तो फिर घर की घरेलू भाषा में फिटकरी कहते हैं। इनको अगर हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे लोकली ब्लीडिंग हो रही है अप्लाई करते हैं तो वहाँ से ब्लीड होने वाले ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है। सो ये इमरजेंसी के फॉर्म में यूज किए जाते हैं लोकल पार्ट से ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। सो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट में डिस्कस किया व्हाट इज कोएगुलेंट, और उसके साथ साथ हमने पहला पार्ट जो कि आज का पार्ट है इसमें हमने लोकल टाइप के कोएगुलेंट के बारे में बात किया, जो लोकल जगह पे अप्लाई किए जाते हैं, लोकल एरिया से होने वाली ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करते हैं। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे सिस्टमेटिक और सिस्टमेटिकली कैसे यूज किया जाता है। सिस्टमेटिक कहने का मतलब मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमिक तरीके से, प्लांट तरीके से हम कैसे ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। प्लांट कहने का मतलब अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे हमने सिस्टमेटिक कहा है, याद रखिएगा सिस्टमिकली नहीं। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेशर अप्लाई करें जैसा हमने लिखा हुआ है, आइस अप्लाई करें अगर आपके पास फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है तो। इस सिस्टमेटिक तरीके के बाद दूसरा तरीका होता है कि आप नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में विजिट करें सो दैट दे कैन डायग्नोस द कॉज ऑफ ब्लीडिंग। अगर वो लोकल जगह पे है तो ये इनमें से किसी भी ड्रग को यूज करके आपके ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो हम आपके सिस्टमिकली रूट पे जाएंगे। तो ये है एक सिस्टमेटिक प्लान। सो सिस्टमेटिक अलग है और सिस्टमिकली अलग है, तो इन दोनों चीजों को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स अगेन।